वेलकम बैक टू डी एस क्लासेस। सभी का डी एस क्लासेस में स्वागत है। सो कैसे हैं आप सभी? राधे कृष्णा। और कहीं के लिए अलग, ठीक है, सभी के लिए अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि बच्चों के साथ इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, उसके सेंटेंसेस देखेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बने हुए हैं। इसमें छोटा सा बस टिक मारना है और अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। सो सॉरी, आप लोग बोर मत होइए करें हमारी क्लास में, बोर होना बिल्कुल अलाउड नहीं है। फर्स्ट में देखेंगे लिखा हुआ है, एवरीवन प्लीज़ चेंज योर क्लॉथ। सब लोग अपने कपड़े बदल लो। जैसे कोई भी आपके घर में बच्चे हैं, सो वो स्कूल से आते हैं और आप स्कूल से आने के बाद आप बोलते हैं चलो बच्चों कपड़े बदल दीजिए अपने अपने, तो ऐसे हम लोग बात करते हैं ना बच्चों के साथ। सो कैसे बोलेंगे, एवरीवन प्लीज़ चेंज योर क्लॉथ्स, ठीक है। सेकेंड वाला देखेंगे, प्लीज़ गेट रेडी। आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं किसी कारणवश, तो कैसे बोलेंगे, प्लीज़ गेट रेडी, मतलब प्लीज़ तैयार हो जाइए, ठीक है। अभी थर्ड देखेंगे क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे कि लिखा है कुशाग्र प्लीज़ फिल अप योर वाटर, ठीक है। कुशाग्र प्लीज़ फिल अप योर वाटर, मतलब कि इसका मतलब ये होगा, कोई भी कंफ्यूज मत होइए, क्लास छोड़कर तो बिल्कुल मत जाइए, सब आपकी काम की चीज़ें ही हैं, कुछ भी पढ़ेंगे आपके काम के लिए ही होगा, ठीक है। अभी हम चौथा देखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है प्लीज़ डोंट फॉरगेट योर हैंडकरचीफ, राइट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट योर हैंडकरचीफ, कृपया रुमाल लेना मत भूलना, प्लीज़ रुमाल लेना मत भूलना। इसको कैसे बोलेंगे, प्लीज़ डोंट फॉरगेट योर हैंडकरचीफ, राइट। फिफ्थ देखेंगे, प्लीज़ पुट योर डर्टी क्लॉथ्स इन द लाउंड्री, प्लीज़ पुट योर डर्टी क्लॉथ्स इन द लाउंड्री, गंदे कपड़ों को टोकरी में डालो, गंदे कपड़ों को टोकरी में डालो, ठीक है, समझ आया। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसी सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, किसके साथ, बच्चों के साथ। आप लोग कैसे सेंटेंस, आप लोग जो भी माएँ देख रही हैं, जो भी देख रहे हैं, आप लोग बताइए, अगर बच्चे ही देख रहे हैं इस चीज़ को, तो बताइए आप लोग कैसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं अपने घर वालों के साथ, ऐसे ही बात करते हैं कि नहीं, बताइए। सो सिक्स देखेंगे, शॉपिंग बैग इज़ कैप्ट इन द रैक, ब्रिंग इट फॉर मी। शॉपिंग बैग इज़ कैप्ट इन द रैक, ब्रिंग इट फॉर मी, दैट इज़ अ सेंटेंस। एंड अब अपन इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, तो इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे कि शॉपिंग बैग को रैक में रखा गया है, जो शॉपिंग बैग है वो कहाँ रखा गया है, रैक में रखा गया, मेरे लिए लेकर आओ। आप उससे बुलवा रहे, जैसे आपके घर में कोई भी आपकी डॉटर है, सन है, नीज है, सो आप लोग इनसे बोल रहे हैं, राइट। तो ऐसे आप सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेट्स मेक अ लिस्ट, चलो लिस्ट बनाते, किसी भी चीज़ की लिस्ट आप बच्चों से बनवा रहे, जिससे आपको नहीं आता है उस चीज़ का लिखना। या कई बार क्या रहता है कि जो मम्मी पापा लोग रहते हैं अपने घर में, मम्मी पापा जी रहते हैं, सो वो कभी कभी बोलते हैं बेटा तुम लिस्ट बना देना, सो लेट्स मेक अ लिस्ट, चलो लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। अभी एट्थ देखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है एट्थ, आप देखेंगे What all do we need to buy? क्या क्या सामान लाना है, क्या क्या ज़रूरत का सामान लेकर आना है, ख़रीद कर आना है, ठीक है, इसका मतलब ये है। सो कई बार बाहर जा रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए भी हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि यार क्या क्या सामान लेकर आना, उसको बता दो वो बाहर जा रहा है, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस आई होप आप लोग बहुत यूज़ करते हैं। सो नाइन्थ देखेंगे, प्लीज़ स्विच ऑफ द लाइट्स एंड एसी, प्लीज़ स्विच ऑफ द लाइट्स एंड एसी, तो कृपया लाइट और एसी सब बंद कर दो, प्लीज़ कृपया एसी और लाइट बंद कर दो। एंड देन हम टेंथ वाला देखेंगे, प्लीज़ बोल्ट द डोर, प्लीज़
वॉल्ट द डोर, कृपया दरवाजे की कुंडी लगा दो, प्लीज कृपया दरवाजे की कुंडी लगा दो, राइट। अगर थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप लोग देख लीजिएगा, और तो कोई इश्यू नहीं हो सकता इस चीज़ के लिए। एक मिनट रुकिए, तो अपन इलेवेंथ देखेंगे, लिखा हुआ है, आप लोग इलेवेंथ देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा ही है, इजी है, बहुत ज़्यादा आप लोग करेंगे आपसे बन जाएगा। प्लीज़ ग्यारहवा है, प्लीज़ लॉक द मेन डोर, प्लीज़ लॉक द मेन डोर, मैंने दरवाजे को ताला लगाओ, जो मेन मतलब कि मुख्य दरवाजे को, राइट, मुख्य दरवाजे को ताला लगा दो। ये मेन का मतलब यहाँ पर मुख्य ही है आपका, राइट, मुख्य ही है यहाँ पर। ट्वेल्थ देखेंगे, गो एंड सिट इन द कार विथ योर सिस्टर, गो एंड सिट इन द कार विथ योर सिस्टर, जाओ अपनी बहन के साथ कार में बैठ जाओ, जाओ और अपनी बहन के साथ कार में बैठ जाओ, कार मतलब कि चार पहिया वाहन की बात चल रही है, राइट। और हाँ, यहाँ पर एक बात और मैं बता देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ों की, आई मीन डेली यूजेस, किचन यूजर, यूटेंसिल्स नेम, बहुत सारे इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो की लिंक दी हुई है आपको, जो भी प्रॉपर लगती है आप लोग ज़रूर देखिएगा। अभी हम यहाँ पर फोर्थ देखेंगे, लिखा वो सॉरी 18 देखेंगे, वी हैव टू विजिट फोर शॉप्स टूडे, वी हैव टू विजिट फोर शॉप्स टूडे, आज हमें चार दुकानों पर जाना है, वी हैव टू विजिट फोर शॉप्स टूडे, आज हमें चार दुकानों पर जाना है, ठीक है। 19 देखेंगे, ये लिखा हुआ है, प्लीज़ टेक द पार्किंग टिकट, प्लीज़ टेक द पार्किंग टिकट, मतलब कृपया पार्किंग वाले से टिकट लाओ, मतलब कि पार्किंग टिकट जो है, मतलब जो आप लोग पार्क करते हैं गाड़ियों को, वहाँ से टिकट लेकर आओ। 20 देखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है, कीप द पार्किंग टिकट केयरफुली, टिकट संभाल कर रखो, कीप द पार्किंग टिकट केयरफुली, मतलब कि जो है टिकट संभाल कर रखो। 21 आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है, वी विल नीड इट व्हेन वी लीव, वी विल नीड इट व्हेन वी लीव, वापसी में देखना पड़ेगी, जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी, इसका मतलब ये है। यहाँ पर पूरा नहीं लिख पाया है, सॉरी इसके लिए। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली है इसकी। सो इस तरीके से आप लोग बच्चों से बात करते हैं इंग्लिश में, इसको ऐसे बात करते हैं। जो भी आप लोगों के सेंटेंसेस रह गए हैं जो नहीं बनते, उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें। बाय बाय, टेक केयर।